फ्रेंड्स आप सभी कैसे हो। तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल Air Data 24/7। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट 2020 IAF ग्रुप एक्स एंड वाई सेकंड जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि एक साल में जो दो एग्ज़ाम होता है उसका सेकंड एग्ज़ाम जो होने वाला है 2021 का, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी क्या एज होने वाली है एंड आपकी जो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ये तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट, तो फ्रेंड्स एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2020 नोटिफिकेशन ऑफ बैच नवंबर 2, 2021 हैज बीन प्रिंटेड टू फिल वेरियस वैकेंट स्पॉट्स फॉर ग्रुप्स एक्स एंड वाई टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। द प्रोफाइल मैचिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम सितंबर 2020 थ्रू द ऑथोराइज्ड लिंक अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द पेज। काइंडली रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेरी केयरफुली बिफोर द अप्लाई ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स चलिए अब शुरू करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको इसमें क्या क्या चीज़ आने वाली है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल फ्रॉम सेप्टेम्बर 2020। तो फ्रेंड्स यानी कि जो सेप्टेम्बर है उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगी साइट पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो एग्जाम डेट होने वाली है आपकी, तो फ्रेंड्स जो एग्जाम डेट है वो भी सेप्टेम्बर 2020 में ही घोषित कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट सेकंड पेपर 2021 नोटिफिकेशन डिटेल्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं IAF वैकेंसी डिटेल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, एयरमैन इन ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स एंड एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल ट्रेड्स। एंड फ्रेंड्स अब बात आती है आपकी एज लिमिट की, तो फ्रेंड्स जो आपकी इसमें एज लिमिट होने वाली है, तो फ्रेंड्स द अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड बी नॉट बिफोर बॉर्न 17 जनवरी 2000 एंड नोट लेटर आफ्टर 30 दिसंबर 2003 एंड बोथ डेज विल बी इंक्लूडेड, यानी कि ये दिन भी आपके गिने जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब बात आती है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आपको चाहिए एक्स ग्रुप में, तो फ्रेंड्स दी अप्रियंट्स शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 12th विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन एग्रेट। एंड फ्रेंड्स दे शुड हैव सिक्योर 50% मार्क्स इन इंग्लिश आल्सो और दे शुड हैव पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन विद द 50% मार्क्स इन ओवरऑल एग्रीएट एंड शुड हैव 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा और इन इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन। अब फ्रेंड्स बात आती है वाई ग्रुप में आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो फ्रेंड्स एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन GTI IAF एंड IAFS एंड म्यूजिशियन ट्रेड्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपकी कौन कौन सी ट्रेड होने वाली है, तो फ्रेंड्स इसमें म्यूजिशियन ट्रेड्स है और इसमें अन्य बहुत सी ट्रेड्स है, देख सकते हैं आप। द अप्रेंटिस शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 12th विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। दे शुड हैव सिक्योर 50% मार्क्स इन इंग्लिश आल्सो। एंड फ्रेंड्स फोर वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या का चाहिएगा, तो फ्रेंड्स इसमें आप 10वीं पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन एग्रीगेट। एंड फ्रेंड्स एक्स ग्रुप में आपको क्या क्या चाहिए नॉन टेक्निकल में, तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं एक्स एंड वाई ग्रुप में जो दोनों में चाहिए, तो फ्रेंड्स इसमें चाहिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास हो एंड उसमें आपने फिजिक्स मैथ एंड मैथमेटिक्स लिया हो विद 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए एंड दे शुड हैव सिक्योर 50% मार्क्स इन इंग्लिश आल्सो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं जो इसकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है, अब जो एप्लीकेशन फीस जो होने वाली है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द ऑनलाइन टेस्ट ₹250 एंड हाउ टू पे, तो फ्रेंड्स आप ये पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। एंड फ्रेंड्स आप इंटरनेट बैंकिंग से भी आप अपनी फीस दे सकते हैं एंड चालान पेमेंट एट एनी एक्सिस बैंक ब्रांच, यानी कि आप एक्सिस बैंक से भी अपना चालान कटवा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब बात आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विच विल बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग IAF एयरमैन एप्लीकेशन फॉर्म 2020। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें आपको 10वीं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 3 ईयर डिप्लोमा फाइनल ईयर मार्कशीट। तो फ्रेंड्स इसमें आपकी 3 ईयर की भी डिप्लोमा चलेगी। एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द साइज ऑफ 10 KB to 50 KB फ्रॉम फॉर फ्रंट पोर्शिया इन लाइट, यानी कि आपको जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर स्किस। नेक्स्ट फ्रेंड्स
लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज साइज से, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड का इसमें क्या जाएगा, इंप्रेशन जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स सिग्नेचर इमेज, तो फ्रेंड्स ये आपके कितना होना चाहिए, 10 KB से 50 KB के बीच में आपके सिम सिग्नेचर होने चाहिए। एंड अप्लाई द कैंडिडेट्स फादर मदर एंड गार्जियन सिग्नेचर इमेज इफ़ द कैंडिडेट इज बिलो 80 ईयर ऑन द डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, द ओपनिंग डेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट, द लास्ट डेट फॉर द अप्लाइंग इंडियन एयरफोर्स जो अभी तक घोषित नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स जो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है तो फ्रेंड्स सितंबर में आएगा और उसके बाद ही आपको न्यू अपडेट दी जाएगी। अब नेक्स्ट पे देख सकते हैं रिलीजिंग डेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरमैन एडमिट कार्ड जो अभी घोषित नहीं हुई है। एंड ऑनलाइन एग्जाम डेट अक्टूबर एंड नवंबर 2020 में आपका एग्जाम हेल्ड होने वाला है। द अनाउंसमेंट डेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिजल्ट अपडेटेड सून, तो फ्रेंड्स ये सभी जानकारी आपकी जल्दी ही अपडेट कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बताइए 5 मिनट की।